जागो 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 युवा पीढ़ी जागो नेटवर्कर जागो और व्यापारियों जागो, कृषक जागो, मजदूर जागो, भारत जागो, नहीं तो ये सेकेंड लॉकडाउन हो चुका है। सेकेंड लॉकडाउन धीरे धीरे आ रही है। अगर हम छोटे छोटे अमाउंट लगाकर अपने घर के अंदर पैसा कमाना नहीं सीखे तो कल कोई मसीहा, कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपके सपनों को साकार नहीं करेगा। इसलिए आगे के वीडियो देखें, रजिस्ट्रेशन करें और एक्टिवेशन कर लें। मेरे दो वीडियो इस प्लेटफॉर्म के लिए बने हैं, दोनों को देखकर आगे बढ़ें। बहुत मिनिमम अमाउंट है, भारत इतना गरीब नहीं है कि इतने मिनिमम अमाउंट भी नहीं लगा सकता है। सोने की चिड़िया मिनिमम अमाउंट अपने लिए नहीं लगा सकता, तो हम इसे सोने की चिड़िया कैसे कंसिडर करें? आगे देखें और अपने आने वाले सपनों को हर माह कम से कम 50,000 कमाने का लक्ष्य रखकर बढ़ें। 10 लोगों को रेफर करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों। फॉरेक्स शेयर ट्रेडिंग कंपनी में आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस अकाउंट नंबर में आपको अपने पैसे भेजने हैं और कैसे यहां पर अपनी आईडी को पिन के माध्यम से एक्टिवेट कराना है, दोस्तों पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपने ये वीडियो देख ली तो आप पूरी तरीके से अपने आप जो इसकी आईडी को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त देव सागर और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एक नई रोशनी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन डालना है। रजिस्ट्रेशन डालने के लिए दोस्तों जिस किसी ने भी आपको इसका लिंक शेयर किया है आप उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेरी वीडियो पर आए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से इनका जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना पूरा नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है। दोस्तों डिटेल पूरी सही से डालना है, अपना नाम बिल्कुल सही डालना क्योंकि यहाँ पर पैन कार्ड भी लगता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है और जो आपके अपलाइन है जिनके साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं उनका डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करके रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपके यहाँ पर ऐप का जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड और जो आपका लॉग इन यूजर आई डी है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीन शॉट खींचकर आपको रख लेना है क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपनी को लॉगिन कर पाएंगे। तो इसका हम स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। अगर दोस्तों यहां पर ये आपका स्क्रीनशॉट नहीं दिखाई दे तो अपने मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर लेना है आपको। जैसे आप रोटेट करेंगे तो यहां पर आपकी यूजर आईडी और उसका ट्रांजैक्शन पासवर्ड आ जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो यहां पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया है। उसके बाद आपको यहां पर ओके कर देना है और जो आपको यहां पर यूजर आईडी और जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड मिला है उससे आप यहां पर इसको लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों मैंने अपनी आईडी को यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो इस तरीके से आपका भी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें कंपनी को अपना पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो अकाउंट नंबर है, जो अकाउंट की डिटेल है उस पर हमें ये पेमेंट करना है। दोस्तों ये कंपनी का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है और उनका अकाउंट होल्डर नेम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी अकाउंट पर, इसी जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है इस पर आपको जितना भी पैसे से आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कराना चाहते हैं उससे आप यहां पर पैसे को सेंड कर देंगे। जिससे भी आपने पेमेंट सेंड किया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और प्लस उसकी जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद हमें अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी यहां पर नोट कर लेना है। तो प्रोफाइल में गए, यहां पर व्यू प्रोफाइल में जाएंगे और यहां पर देखिए आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड आ रहेगा। वैसे तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उस पे भी आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है पर यहां से भी आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहां से हमने इसको कर लिया है। इसके बाद आपको यहां पर अपनी फंड रिक्वेस्ट डालनी है। तो फंड रिक्वेस्ट डालने के लिए आपके डैशबोर्ड पर एक ऑप्शन आता है फंड रिक्वेस्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर एक बॉक्स दिया हुआ है आई एग्री का, यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहां पर अपना जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है उसको आप यहां पर डाल देंगे। तो मैं यहां पर पेस्ट करके इसको सबमिट कर देता हूं। तो जैसे मैंने सबमिट किया है तो देखिए यहां पर यह खुलकर आ गया है, ठीक है। अब यहां पर हमें जितना अमाउंट हमने जो भेजा है इनको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा उतना अमाउंट यहां पर हम डाल देंगे। तो मैंने यहां पर 850 रुपए यहां पर डिपॉजिट किया हुआ है। किस
माध्यम मतलब किस बैंक में किया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैंने किया हुआ है। ये उसकी बैंक के डिटेल भी खुलकर आ गए जिस पर मैंने अमाउंट को सेंड किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर हमें जो डिपॉजिट है जिससे भी हमने किया है पेमेंट उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने गूगल पे से यहाँ पर पेमेंट को भेजा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी जो ट्रांजेक्शन आईडी है उसको डाल देंगे और पेमेंट डेट यहाँ पर डालेंगे, टाइम यहाँ पर डाल देंगे नीचे की तरफ, ठीक है, और मिनट यहाँ पर डाल देंगे, एएम या पीएम में जो भी आपने भेजा है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे और रिमार्क में भी आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, अपना नाम डाल के। और इसके बाद यहाँ पर आपने जो स्क्रीनशॉट खींचा है, जो आपने पेमेंट किया था, उसको आप यहाँ पर अटैच करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो मैं ये सारे डिटेल यहाँ पर भर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी सारी डिटेल यहाँ पर भर चुका हूँ, ठीक है, ये सारी मेरी डिटेल आ चुकी है यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और जरूर ध्यान से देख लीजिएगा कि आप किस आईडी के लिए पेमेंट भेज रहे हैं, वो भी यहाँ पर आ जाना चाहिए और आपका नाम भी, तो यहाँ पर ये भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने सब चीज अटैच भी कर दिया है और इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर ये सबमिट पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सारी डिटेल आ चुकी है, मेरा नाम आ चुका है 850 रुपये गूगल पे और 25 दिसंबर 2021 टाइम आ चुका है, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम और यहाँ पर नीचे बैंक की डिटेल, ये सारी चीजें आप चेक करने के बाद फिर से यहाँ पर आप कंफर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपने यहाँ पर फंड की रिक्वेस्ट सेंड कर दी गई है, तो यहाँ पर हमने फंड की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट यहाँ पर कर दी है। तो अभी यहाँ पर जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता है, अभी देखिए यहाँ पर ये पेंडिंग में है, ठीक है, जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो हम आगे का प्रोसेस की वीडियो आपके सामने जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फंड रिक्वेस्ट जो हमने यहाँ पर लगाया था, वो फंड रिक्वेस्ट हमारा यहाँ पर अप्रूव हो चुका है और डैशबोर्ड पर मेरा यहाँ पर 850 रुपये शो हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी पिन बाय करनी है और उस पिन के जरिए हमें अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा जिससे आप ये जान पाएंगे किस तरीके से पिन बाय करनी है और किस तरीके से अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जब आपका फंड रिक्वेस्ट जो हुआ है वो फंड आपके डैशबोर्ड में दिखने लगे तब जेनरेट पिन पर क्लिक करना है। इसमें दो तरह के पिन बनेंगे, एक है रोबोट जो 325 रुपये का रोबोटिक पिन को जनरेट कर लीजिएगा और उसके बाद एक्टिवेशन 525 रुपये का पिन जनरेट कर लीजिएगा और दोनों को पारी पारी एक्टिवेट करिएगा। पहले रोबोट वाला पिन को एक्टिवेट करिएगा फिर 525 वाला को एक्टिवेट कर दीजिएगा। इस तरह से आपका कमाई का जरिया आज से शुरू हो जाएगा एक्टिवेशन करने के बाद। उसके बाद आप रेफर करिए, 10 लोगों को अगर रेफर करते हैं और 10 से टीम खड़ा हो जाती है, बहुत मिनिमम अमाउंट है 850 रुपये, सभी लोग दे सकते हैं, भारत इतना गरीब नहीं है कि नहीं दे पाएंगे 850 रुपये इस लॉकडाउन के दौरान, सेकेंड लॉकडाउन हुआ है। और अगर हम छोटे छोटे पूंजी लगाकर बड़े सपने नहीं देखेंगे तो हमारे रास्ते हर तरफ से बंद रहेंगे, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को छोटा ना समझें। इस महीना के अंदर 50,000-60,000 हर महीना कमाने लायक बन जाएं, यही मेरा शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। धन्यवाद, और किसी तरह का समस्या हो तो मुझे कॉल करें। धन्यवाद। गरीब हूं सोचकर अपने कद पर मत जाओ मेरे दोस्त, कद छोटा तो सिकंदर का भी था पर विश्व विजेता बना। No one would have. Welcome to Crypto News. News headlines. This is Radhika. COVID-19 has been rapidly increasing in India. The second phase COVID-19 virus are more dangerous than the previous one. The unemployment percentage in India and the world have been rapidly increasing due to coronavirus. The increasing unemployment percentage can be reduced only by using blockchain technology during COVID-19, Sir Isaac Research says. Blockchain technology is like a COVID vaccine for unemployment youth of the world. Blockchain technology required lots of education and Isaac searched education online to youth, children and elder people to generate employment from home in India. No one would have. Are you ready? Subscribe my channel Meri Awaaz YouTube. Subscribe my channel Meri Awaaz YouTube. Subscribe my channel Meri Awaaz YouTube. Subscribe now. And press the bell icon. Never miss an update.